आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन बिहार योम आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार के आह्वान पर 3270 आयुष चिकित्सकों की लिवी नियुक्ति प्रक्रिया के कारण चरणबद्ध आंदोलन करने को लेकर आयुष चिकित्सकों ने की बैठक। बता दें, आयुष परिषद में 25 वर्षों बाद अक्टूबर 2020 में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया। वर्ष 2022 के फरवरी माह में काउंसलिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया, पर विगत 6 महीने के बाद भी अभी तक आयुष चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई है। बार बार विभाग के उच्च अभिभावकों से मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण पूरे बिहार के सभी आयुष चिकित्सकों में असंतोष एवं आक्रोश व्यक्त है, जिसके फलस्वरूप सभी आयुष चिकित्सा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का विवश हैं, जिसकी रूपरेखा तैयार करने में मुंगेर आयुष चिकित्सकों ने नवागढ़ी में बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि 19/9/2022 को कार्यस्थल पर काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे, 26/9/2022 को पेन स्टॉप करेंगे, कार्यालय स्तर पर जाएंगे लेकिन कार्य नहीं करेंगे, दिनांक 8/10/2022 को बिहार के प्रत्येक जिले में कैंडल मार्च निकालेंगे, दिनांक 14/10/2022 को धारणा एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव करेंगे। अगर फिर भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग की वैकेंसी जो है 2020 में 3270 आयुष चिकित्सकों का परमानेंट वैकेंसी आया था, जिसका कि हम लोगों ने फॉर्म भरा, सब कुछ किया। उसके बाद जो है फरवरी 2022 में उसकी काउंसलिंग भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा करवा दी गई है, लेकिन आज 6 महीना बीतने के बाद भी हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, न ही हम लोगों का परमानेंट नियुक्ति की गई है। तो इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? इसको लेकर के हम लोग 4 स्टेज में अभी जो है एक आंदोलन करेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं सुनेगी सरकार, तब फिर आगे हम लोग बैठक करके डिसाइड करेंगे। 19 तारीख को कल सोमवार को सारे आयुष चिकित्सक मुंगेर जिले के एवं पूरे बिहार के सभी आयुष चिकित्सक जो है काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे। आगे हम लोग 26 तारीख को 10 स्टॉप स्ट्राइक करेंगे, मतलब कि उस दिन हम कार्यस्थल पे जाएंगे लेकिन कार्य नहीं करेंगे। पर उसके बाद भी हमारी बातें सरकार नहीं मानती है तो फिर 8 तारीख को हम लोग कैंडल मार्च शाम 5 बजे करेंगे जिला स्वास्थ्य समिति मुंगेर से। उसके बाद भी अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो 14 तारीख को हम लोग गर्दनीबाग में धरना देंगे। उसके बाद जो है 1 बजे के बाद वहां से हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव करेंगे। डॉक्टर पंकज कुमार, आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन बिहार इकाई मुंगेर सचिव।